शहर तक लोगों में काफी उत्साह का माहौल बना। शहर के बाजार गुलजार हो गए हैं। दुकान पर सूप और दउरा डाला भी स्टॉक किया जा रहा है। पूर्वांचल छठ पूजा सेवा समिति ने भी पूजा के लिए घाट बना दिए हैं। छठ पर्व की सभी तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया गया है। नहाए खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत होती है। छठ पर्व की पूजा बहुत ही कठिन बताई जाती है। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में पूर्वांचल छठ पूजा सेवा समिति ने बताया कि पिछले 2 महीने से वे लोग तैयारियां कर रही हैं। छठ का व्रत काफी कठिन होता है क्योंकि इस दौरान व्रती को लगभग 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखना होता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का दिन नहाए खाए का होता है। छठ पूजा के दौरान षष्ठी मैया और सूर्यदेव की पूजा की जाती है। छठ पूजा के पर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। पारस प्रसाद, हाँ, लोगों में अच्छा खासा उत्साह है तो इस त्यौहार को लेकर के, और हम लोग इसमें करीब 15 दिन से लगे हुए हैं जी। सारा साफ सफाई, रोड वगैरह, ये बाउंड्री और ये पेंट वगैरह, सफाई, घास वगैरह सारे उग जाते हैं, इसको सारा साफ सफाई करके हम लोग तैयारी में, आखिरी चल रहा है तैयारी पेंट वगैरह का, और इसमें बड़ी जोर शोर से सब लोग अच्छे उत्साह से लगे हुए हैं। मेरा नाम अखिलेश सिंह है। छठ पूजा के लिए तैयारी जोरों पर चल रही है, अब फाइनल तैयारी में है। पेंट सेंट आज से कल तक फाइनल हो जाएगा और सारे काम हो गए हैं। ये हमारा पूर्वांचल छठ पूजा सेवा समिति रजिस्टर्ड संस्था है और हमारी टीम 2 महीने से इसमें लगी हुई है। आज फाइनल स्टेज पर हम लोग पहुँचे हैं, लगे हुए हैं। छठ पूजा का ऐसा है कि आज जो 28 तारीख है, आज के दिन से ये त्यौहार शुरू होता है। आज नहाए खाए से शुरू है और कल खरना है, और 30 तारीख को 4 बजे 3 बजे से लोग घाट पर आना शुरू करेंगे और डूबते हुए सूर्य का अर्घ दे के फिर वापिस होंगे। फिर 31 तारीख को सुबह का अर्घ दे के व्रत का समापन करेंगे। पहले तो मैं भाई साहब, आपकी छठ पूजा बहुत जोर शोरों से चल रही है तैयारियाँ, और बहुत अच्छी धूमधाम से मनाई जाएगी। पूजा तो वही है इनके, आमतौर पर जैसे पूजा में अपना गन्ना है, मूली है, बैंगन है, पानी में खड़े होकर रहना 24 घंटे तक, सूर्य को अर्घ देना, ये देना। बहुत कठिन पूजा है, बहुत कठिन पूजा है छठी मैया की, सबसे कठिन पूजा है।